ए टू हाँ मुझे लगता है माइनस ए वन कितना है यहाँ पे ये नहीं लिया हमने इसलिए गलत गया भैया ठीक है जो माइनस माइनस छोटी अब एल सी एम लेंगे टू का टेबल में टू वन के टेबल में टू कितना आएगा भाई माइनस वन प्लस फाइव अच्छा थ्री टू या सिक्स ठीक है भाई डी कितना मिला हमें फाइव पॉइंट ठीक है अब आंसर आएगा भाई ए एन की जगह पे कितना अच्छा 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 ठीक है ठीक है हमें क्या निकालना है ए इलेवन ए की जगह रखेंगे माइनस का थ्री प्लस वन माइनस और डी की जगह आ जाएगा फाइव फोर में माइनस थ्री ये हो जाएगा भाई टेन हाँ पूछो यहाँ देख लो भाई यहाँ देख लो यहाँ कह रहे हो भाई गुणा कर दिया ना भाई ये तो टेन हो गया ठीक है भाई अब देखो टू वन जाए टू टू फाइव जाए ट्वेंटी फाइव हाँ भाई प्लस का ट्वेंटी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका क्या थे हाँ तो वही यहाँ पे ही मिस्टेक करेंगे ना तो फिर तुम वहाँ पहुँचो अगर तुम उसको ठीक करोगे कितना बारीक है वो गलत कर लिया भाई वहाँ लेना ही नहीं था भाई हाँ ऑप्शन में भी दे दिया ना भाई वो गलत कर लिया भाई तुमने हाँ अगर वहाँ मल्टीप्लाई किया अलग कुछ करा तो गलत कर लिया भाई अब थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई ठीक है लिख लो इसको आंसर ठीक आ रहा है पीछे से इसमें माइनस का लोगे भाई यहाँ गलत कर गया भाई इस वाली लाइन में ये माइनस का था इधर आ गया प्लस का हो गया 26 किसका है प्लस का है माइनस का हो गया यहाँ के और फिर सुन तो लो यार ए टू और ए टू कितना हो जाएगा ए टू ए टू टू ए टू यहाँ तुम्हारा ए टू ही गायब हो गया हाँ डिवाइड में हाँ देखो इसके नीचे कुछ नहीं होता तो वन होता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया पचास आ जाएगा और नीचे वन है वन को टू से करेंगे तो टू ही आएगा यहाँ एलसीएम ले लिया भाई तुमने कितनी बार समझा रहा हूँ भाई इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ना आप दो लोग होते हो और मिलकर ना एक नंबर एंड ऑफ एसोसिएशन एम को डिजाइन करते हो ठीक है तो आगे चलकर देखो तो पहले मेंबर एंड ऑफ एसोसिएशन होगा ना कि क्यों इकट्ठा से काट और ये होता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग होती है मेरे होता है और प्लस का भाई जाएगा ना होगा और द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ऑफ कराया गला फिर खत्म हो गया हंड्रेड है लेकिन आप अभी गवर्नमेंट ने 2013 वाले में भैया मैं इसके जगह यहाँ पर ए एन ये बराबर डाल लिखा तो ठीक है ना मेरा हम्म
जैसे ये फॉर्मूला का तुमने ऐसे बराबर डाल दिया कर दिया तो मैंने ए लिखा तो ठीक है ना मेरा आ गया अब मिसिंग है ना भाई बीच में जो वो निकालेंगे भाई मिसिंग वाला वगैरह ये वाला 8 हां लेकिन 10 के बाद ना आप पे ना लॉस लेने से हो जाते हैं आपको बहुत सारे कंपनीज लॉ लेबर लो रखे तो क्या करते हैं अपने एम्प्लॉय ना 10 से नीचे रखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे काम कर रहे हैं ना यहाँ पर 10 से नीचे रखने की कोशिश करते हैं इसमें क्या ले लेंगे भाई A2 मान लिया ठीक है हमने अभी जान चुके हैं पीछे पढ़ चुके हैं कि D1 बराबर होता है D2 के डिफरेंस दोनों का क्या होता है भाई इक्वल होता है अरे ये बात समझ में D1 कैसे निकलता है और D2 कैसे निकलता है अरे बात समझ में A2 कितना अपने पास A2 होगा A2 और A1 कितना है 2 A3 कितना है 26 A2 है अभी A2 बारह शेयर होल्डर तो 3 हो सकते हैं इसमें क्या करो इसको इधर ले आओ हो सकते हैं कि डायरेक्टर A2 इधर आ गया कंपनी नेम इज प्लस आ गया ये इस तरफ क्या है ये वाला है ना माइनस का ये वाला यहाँ लेके आ गया मैं प्लस हो गया ये 26 है 26 हो गया ये माइनस का 2 है कितना हो गया LLP जो होती है ना अपने शेयर होल्डर को बटन नहीं डालती वो अपने आप ही बटन देती है LLP के अंदर क्या होता है कंपनी के अंदर हाँ इसको नोट करो सिंपल ही है भाई मुश्किल नहीं ज़्यादा अब इन सब में भाई कैसा करोगे ध्यान दे लो एक बार नहीं क्या कह रहा मतलब समझ इसमें एक कर अच्छा पूरा ही गायब कर दिया करना पड़ता है क्योंकि चलो कुछ होगा आगे बढ़ जाएगी अब क्या टाइम से मतलब ब्याह रहने का टाइम पैसा तो किसका लगा होता है जितना भी चीज़ चल रही है ना हमारे आसपास इन सब में पैसा किसका लगा हुआ है ठीक है और कौन सा सोर्स है पैसे का ठीक है जैसे रोड बना रहे हो ठीक है रोड बनाने के लिए सरकार को पैसा किसने दिया बैंक से ही तो आ रहा है नहीं बैंकिंग से जो है जब 2 डिवाइड में चला गया तो यहाँ क्यों रोक रखा है 2 को 2 इसके आगे वाला 2 हाँ तो इसको भी हटा ये पहले मैंने उधर पहले लिख दिया इसको भी वाला ये नहीं दिखा रहा मैंने और दोबारा 2 लेके चला दियो फिर 7 बना दियो काट के मॉडल बनाना है साइंस में टॉपिक दिए बताता हूँ हाँ भाई नेक्स्ट किसका इसका हाँ चौथा भी साइंस का ठीक है फिर पढ़ाई तो करते नहीं हो भाई तो क्या कराया जाएगा
अगले बार उससे ज्यादा नंबर ले लेना। ये क्वेश्चन कराता हूँ भाई, बाकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना भाई। नहीं होंगे, हाँ नहीं होंगे तो फिर मैं कराऊँगा बाकी भी, ठीक है। क्या हो गया? भर गई कॉपी? उसमें अच्छा लगा है गलत होने के बाद? आंसर शीट में गलत हो गया तो अच्छा लगेगा। एक बार रख लो और एक बार फिर सही में, इतना समय मिलेगा भाई? ध्यान दो भाई, इधर ऐसा मत करना भाई, बाकी सीधा आंसर करना है भाई। हाँ भाई, यहाँ पे देखो ये A1 हो गया, अरे ये A2 हो गया, A1 A2 A3 और ये A1। आ रहा है समझ में भाई? ये क्लियर है भाई? ये ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या निकलेगा? D1। इन दोनों के बीच में क्या निकलेगा? D2। यहाँ क्या निकलेगा? अब की बार ये ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये गायब है यहाँ का। समझ गए भाई, हर सवाल में कुछ ना कुछ बदलेगा। तो D2 कैसे निकलता है? D3 कैसे निकलता है? बताओ A3 कितना है? A2 कितना है? A4 कितना है? A3 यहाँ तक आ गया समझ में। जैसे अभी क्या था, माइनस इस तरफ आ जाएगा, इधर प्लस का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्रेफर्ड और जो हो गया भाई, ये तो ये तुम्हारा बस ये निकला, कितना निकला ये? धीरे धीरे फैमिलियर हो जाते हैं भाई, करते 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 लाइन वाइज करोगे ना सिस्टमेटिकली, रोज 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ोगे तो समझ में आता है। नहीं कल बढ़िया पढ़ूंगा, संडे को तो 3 घंटे पढ़ लूंगा, 3 मिनट नहीं पढ़ोगे भाई। कोई काम मिल गया तो फिर और नहीं कर पाओगे भाई। अब ध्यान दे भाई, ये कैसे निकालें हम? ये मान लो A2 है, एक फॉर्मूला था ना भाई तुम्हारे पास, An बराबर में A+(n-1)D। हाँ एक मिनट, A2 हाँ A2 बराबर में A+(n)n की जगह कितना नंबर पे? 2 नंबर पे। D कितना है? 8। D कितना है इनके बीच का गैप? 8 है। जैसे ये D2 है, D2 कितना निकाला तुमने? D2 कैसे होता है? A3 - A2। तो A3 कितना हमारे पास? 8। A2 कितना हमारे पास? 13। माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? -5। हाँ यहाँ पे देख लो भाई, A2 कितना, अभी तो A2 रख लो, चलो A+ यहाँ कितना? -5 रखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा? प्लस का एक और माइनस का, माइनस प्लस माइनस। एग्जाम के अंदर ना देखो सब कुछ ही लिखना होता है आपके, ना हर चंद के अंदर 20 वर्ड होंगे, 20 कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं, और उन 20 कीवर्ड्स को याद कर लो। A2 कितना है? A2 कितना है? माइनस कितना आएगा? अभी वहाँ माइनस करना है कि मल्टीप्लाई करना है? मैं माइनस जो आपने कीवर्ड्स याद किए ना वो सारा
है, मल्टीप्लाई करना है ना 5 × 5 हैं, अभी पता चल जाएगा। ए टू कितना है, 13 है ना भाई, ए टू माइनस इधर आएगा, ए कितना हो गया, ए कितना हो गया, निकालना था ना ये बार, इसलिए लिया भाई ए टू हमने, ठीक है। ए टू भी ले सकते हो, ए थ्री, ए फोर, कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है भाई। बाकी प्रैक्टिस करना भाई, आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह होते हैं, मतलब आंसर शीट होती है जो अच्छे बच्चे वाली।